भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के भवानीपुर पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य रमेश दास का अवैध संबंध के कारण हत्या कर उसके शव को गायब किए जाने का मामला मृतक की मां मीना देवी ने थाने में दर्ज कराया है। मृतक की मां ने बताया कि उसी के स्वजाति नारायणपुर की एक महिला पिंकी देवी से उसके पुत्र का अवैध संबंध था, इसी कारण साजिश के तहत उसके पुत्र रमेश दास की हत्या कर उसके शव को गायब कर दिया गया। रमेश दास की मां मीना देवी ने भवानीपुर ओपी में 12 लोगों के विरुद्ध साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि पिंकी भवानीपुर गांव में अपनी फुआ उमा देवी के यहां रहकर पढ़ाई करती थी, जहां पढ़ाई के ही समय रमेश और पिंकी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी दौरान पिंकी की शादी नारायणपुर के धर्मेंद्र दास से हो गई। शादी के बाद दूरी तो बढ़ी लेकिन प्यार का खुमार परवान चढ़ता गया, जो कभी कम नहीं हुआ। इसी बीच पिंकी 3 बच्चों की माँ बन गई, फिर भी प्यार परवान चढ़ते रहा और रमेश दास का नारायणपुर आना जाना लगा रहा। इस बीच रमेश दास ने पिंकी देवी के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया। बताया जाता है कि 2 माह पूर्व महिला को भगाने का मामला भी रमेश दास पर लगा था। भवानीपुर पुलिस ने रमेश दास और पिंकी देवी को सकुशल बरामद भी कर लिया था। इस दौरान रमेश दास की जमकर पिटाई भी की गई थी। इसके बाद भी दोनों में संबंध विच्छेद नहीं हुआ। रमेश पिंकी ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली थी। अक्सर आना जाना, पति पत्नी की तरह रहना उसके लिए आम बात हो गई थी, जिसके बाद 17 अक्टूबर को रमेश के मोबाइल नंबर पर पिंकी के द्वारा रात में फोन किया गया कि तुम मेरे नैहर इस्माइलपुर प्रखंड के बांसवाड़ा आ जाओ, यहीं हम दोनों शादी करेंगे। जिसके बाद रमेश आनन फानन में उसकी बात सुनकर मोटरसाइकिल से बांसगढ़ जा रहा था। जब उसकी मां ने पूछा तो उसने बताया कि वो पिंकी से शादी करने जा रहा है। साथ ही रमेश ने यह भी कहा कि यदि मेरा मोबाइल बंद हो जाएगा तो समझ लेना कि मैं मर गया हूँ, मेरी किसी ने हत्या कर दी है। पिंकी के साथ शादी करने के लिए निकला रमेश अभी तक घर नहीं आया है और उसके बाद उसके परिजनों ने काफी खोजबीन करने के बाद अपने बेटे की हत्या कर उसका शव गायब करने का मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। क्या नाम है आपका? मीना देवी हो बे। कहाँ घर है? भवानीपुर। आपके परिवार में क्या घटना हुआ है? बेटा हमरा निपात आया या। क्या नाम है बेटा का? रमेश कुमार। उम्र? उम्र 35 सही हो। कितने दिन से लापता है? या 8 दिन से 17 तारीख से। क्या आप कहीं गया है या कहीं में से जदया का? किसने बुलाया? छोटू। छोटू कौन? छोटू वहाँ के बसगर है। क्या बसगरा कहाँ है? वहाँ महादेवपुर घाट मिसफलपुर थाना। अच्छा, कब बुलाया, कितने बजे बुलाया? 9:15 दिन या रात? रात में। रात में ये चला गया? चल गया। छोटू कोई लगता है रिश्ते में? ओकरा का बहिन ओकरा से तनटा फसला उसला रोने के बेर नान लिया थाना से। अच्छा, वो आप फसला के बोला फसा है तो आप अपने बेटी की गलती नहीं मानते हैं? बेटा मेरा क्यों फसा था, गलत कदम क्यों उठाया इसने? दरवाजे छोड़ी दे। दरोगा छोड़िए बाद में, अपने बेटे का गलती दे रहे की नहीं, गलत कदम उसने उठाया है? समझी दिलिया बोले, मैं पूछ रहा हूँ बेटे का गलती दे रहे कि नहीं, गलत कदम उठा दिया? आप ही बोले उससे फसल था। हाँ तो गलती कर बया कर लगे बाबू, तो समझ लिए। महिला का छोटू कौन लगता है? बहन। अपनी बहन? हाँ। महिला कहाँ की है? वही बस घर है। शादी शुदा है? 3 बच्चा। शादी कहाँ हुई उसकी? लरनपुर। आपको कैसे पता चला कि रमेश मेरा गायब हो गया, क्या हो गया? अच्छा, तो फिर अचानक आज आपको कैसे पता चला रमेश बारे में? थाना गेलिए ना अखनी बोलल के तो दरगाह साहब कल के मैं खोजे गेलिए तो कल के की लड़किया पुल पर चढ़ी के अपने अथी गिरी पड़ले मरी गेला, अपने मरते तो मार ले नहीं तो नहीं मर ले। अपने से भी सुसाइड करता है लोग? हाँ, अपने मरते करता है सुसाइड? सुसाइड नहीं बाबू, पुल दूर छे बाबू। वो बोलल के हमरा बेटा को लाश मिला। हां लाश लाश कहां हेर थन तबन मिल थन उसका मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल छनो ही ओकरे हाथ उसी के। हां हां, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? नहीं चाहबे बाबू, हमरा बेटा नहीं मिले छे त। भागलपुर में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां सजावट थाना क्षेत्र स्थित दासपुर पंचायत के चंद्रमा गांव में 2 भाइयों और चाचा ने मिलकर 22 वर्षीय शिवानी सोलंकी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतिका कुछ दिन पहले ही अपनी प्रेमी के साथ भागकर देवघर में शादी कर ली थी और वो घर से अलग रह रही थी। दिवाली के मौके पर माँ द्वारा युवती को घर बुलाया गया था, जिसके बाद शिवानी सोलंकी के चाचा अभय सिंह, चचेरे भाई रोशन सिंह और अपने भाई साहिल सिंह के द्वारा युवती की
गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार के लोग अंतरजातीय विवाह से नाखुश थे, जिसको लेकर लगातार लड़की और उसके पति की खोजबीन कर रहे थे। दिवाली के मौके पर मां के द्वारा बेटी को बुलाया गया और जब पूरा गांव दिवाली मना रहा था, इसी रात परिजनों के द्वारा युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। वहीं सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात का कहना है कि परिजन कुछ भी बयान देने को तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि पुलिस अपने बयान पर भी केस दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वहीं हत्याकांड में चाचा अभय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के दोनों भाइयों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। हत्याकांड के बाद परिजन और गांव वाले कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। घटना तो हम लोग को पता चला सुबह, क्या मर गया भतीजी है अभय सिंह का। अभय सिंह का भतीजी है? अभय सिंह कौन है? इनका हम लोग का गांव का है। अरे इसका कौन अभय सिंह? बड़े पापा लोग। इसका पिताजी का नाम क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह घर चंद्रामा। चंद्रामा असली नाम बोलो। निर्मय सिंह जी ना। निर्मय सिंह। निर्मय निर्मय निर्भय सिंह घर चंद्रामा। लड़की का नाम क्या है? शिवानी। शिवानी कौन गोली मारा इसको? ये नहीं बता सकते हैं। हम लोग तो काफी खेल के इसका भाई ने गोली मारा है जी। नहीं जानते काय गोली मारा है मालूम। कल रात में करीब 12 बजे सजाड़ थाना अंतर्गत एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और घटना में संलिप्त 3 लोगों में से 1 लोगों की गिरफ्तारी कल रात में ही कर ली गई थी। बाकी जो 2 अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। क्या मामला लग रहा है? अभी तक जांच पड़ताल में पता चला है प्रेम प्रसंग का मामला है। महिला ने किसी दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ शादी जाकर कर लिया था देवघर में और इससे घर वाले काफ़ी नाराज थे और लगातार उनको धमकियां दे भी रहे थे और अंततः कल रात में उन्होंने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। गोली में जो मुख्य अभियुक्त है साहिल सिंह का नाम आ रहा है, जो मृतिका का चचेरा भाई है और इसमें मृतिका के चाचा इन्वॉल्व हैं और उनका अपना भाई भी इन्वॉल्व है और इन लोगों को गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है अभय कुमार सिंह को और उसको आज न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। माता पिता का हाथ नहीं आ रहा है और हम लोगों ने माँ का बयान लिया है, पिताजी का भी बयान लिया है और माँ के बयान पर ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसा कुछ तस्वीरें सामने आई क्या जो प्रेम विवाह किया था उन्होंने? इसमें अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। सुनने में आया था वे देवघर जाकर शादी करने की बात आ रही है और इसकी भी हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। नौगछिया के बिहपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर रत्ती पंचायत के कोरचक्का गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक कलयुगी बड़े भाई ने जमीनी विवाद में अपने छोटे भाई को कुल्हाड़ी से बेरहमी से मार डाला। बताते चले कि कोरचक्का गांव के मिश्री सिंह के पुत्र गनौरी और फूलो सिंह के बीच जमीनी विवाद को लेकर गाली गलौज शुरू हुआ। बात बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़ गई कि गनौरी सिंह ने धारदार कुल्हाड़ी लेकर अपने छोटे भाई फूलो सिंह पर अंधाधुन वार करना शुरू कर दिया, जिससे वो वहीं पर लहूलुहान होकर गिर पड़ा और गनौरी सिंह वहां से भाग निकला। लहूलुहान फूलो सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की खबर सुनते ही इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बिहपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस द्वारा सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है और उसके चचेरे भाई गनौरी सिंह की तलाश की जा रही है। फूलो सिंह जितना पूछ रहा है फूलो सिंह। फूलो सिंह क्या तीनों का नाम बताओ। विद्यानंद सिंह, अमर सिंह और नीतीश सिंह। विद्यानंद सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह, नीतीश सिंह। नीतीश सिंह अभी यहाँ के छे? अभी विक्रम।
भागलपुर में गंगा का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गंगा के जलस्तर में लगातार आ रही कमी के बाद गंगा नदी के द्वारा भीषण कटाव जारी है। जिले के सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव में लगातार भीषण कटाव जारी है। तेज कटाव के साथ साथ तेज हवा चलने के बाद कटाव और भी तेज हो गई है। इस दौरान गांव की मुख्य सड़क को गंगा नदी ने अपने आगोश में ले लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल देखा जा रहा है। हम आपको बता दें, पिछले कई दिनों से गंगा नदी के द्वारा भीषण कटाव के कारण इंग्लिश गांव के कई घर गंगा में समा चुके हैं। लगातार हो रहे कटाव से जहां ग्रामीण भयभीत है, वहीं सभी रतजगा करने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। भागलपुर में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। शहर में खून खराबा के बाद अब लूट की घटनाएं भी काफी होने लगी है। ताजा मामला भागलपुर जिले के शाहकुंड थाना क्षेत्र के असरगंज का है। भागलपुर में जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह के शाहकुंड थाना क्षेत्र के शाहकुंड असरगंज मार्ग से सटे मां बागेश्वरी इंडन आयल में अहले सुबह एक हथियारबंद अपराधी ने नोजलमैन से हथियार के बल पर 41,000 रुपए लूटे और फरार हो गया। इस लूट की घटना का पूरा मामला CCTV में कैद हो गया। फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है एक अपराधी जो अपने चेहरे को छुपाने के लिए नकाब लगाए हुए है और नोजलमैन से बंदूक की बट पर पैसे छीन रहा है। घटना बागेश्वरी इंडन ऑयल पेट्रोल पंप पर हुई है। CCTV फुटेज में अपराधी नोजल मैन को नीचे गिराकर उससे रुपये लूटता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इस घटना को लेकर CTSP स्वर्ण प्रभात ने बताया कि इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप कर्मी से लूट हुई है। CCTV में पूरा मामला स्पष्ट है। हथियार के बल पर अपराधी ने घटना को अंजाम दिया है। मामला दर्ज किया गया है, जल्द इसका खुलासा करेंगे और नकाबपोश अपराधी को पकड़कर सजा दी जाएगी। 12:45 शाहकुंड असरगंज सड़क पर एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। वहाँ पर सुबह में एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा हथियार के दम पर पेट्रोल पंप का जो नोजल मैन है उसको हथियार दिखाकर 41,000 रुपये करीब लूटने की बात सामने आई है। इसमें पुलिस अनुसंधान कर रही है और जिस व्यक्ति ने घटना की है उसकी पहचान कराई जा रही है और इसमें अन्य जो बिंदु सामने संभावित हो सकते हैं उन बिंदुओं पर भी जांच जारी है। CCTV फुटेज भी आया सर, क्या देख रहे हैं? फुटेज आया है, उसमें दिख रहा है जो ऐसा घटनाक्रमवादी ने बताया है पीड़ित व्यक्ति ने, वो सारी चीज़ें पुष्टि हो रही है और हम लोग काम कर रहे हैं इस पर, जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। भागलपुर के नौगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में बीती रात्रि को 14 नंबर सड़क किनारे सुनील शर्मा और अन्य दो भाई के घर में खिड़की के लोहे के रॉड को तोड़कर चोर घर के अंदर घुसकर कई सामानों की चोरी कर फरार हो गए। आसपास रह रहे लोगों के द्वारा बताया गया कि इस घर में कोई भी आदमी नहीं रह रहा था। चोर इसी का फायदा उठाकर कई कीमती सामानों को उठाकर ले भागे। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा घर वाले को इस घटना की सूचना टेलीफोनिक दी गई। पड़ोसियों ने बताया कि आज से 2 माह पूर्व भी इसी घर में चोरी घटना को अंजाम दिया गया था। हम आपको बता दें, गोपालपुर थाना क्षेत्र में पिछले कुछ माह में कई लूट हत्या चोरी घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन इतनी घटना घटने के बाद भी नौगछिया पुलिस अधीक्षक के द्वारा कई थाना अध्यक्ष को प्रथम द्वितीय व तृतीय पुरस्कार सहित प्रशस्ति पत्र दिया जाता रहा है। डकैती हो गया है, 9 बजे रात में डकैती किया है, आकर के ताला खिड़की सब तोड़ लिया है। आई घर वाला यहाँ नहीं रहता है, बाहर रहता है, ये हमारे जिम्मेवारी है। यहाँ कहाँ रहता है? बाहर बाहर लोग अच्छिया रहता है, कोई देवघर रहता है, कोई भागलपुर रहता है। नौकरी चाकरी करता है। ये कितनी दफा हो चुका है चोरी? ये 2 मरतब हो चुका है। ये इसके पहले कब हुआ था? ये इसके बाद 2 महीना पहले फिर कब्जा तोड़ा था, काटा था। क्या क्या यहाँ तोड़ा गया है अभी? अभी खिड़की तोड़ा है, कब्जा तोड़ा है, अलमारी तोड़ दिया है, दरवाजा भी तोड़ दिया है। इनके मालिक को सूचना आप दिए? मालिक को सूचना दे दिए हैं। भागलपुर व आसपास के क्षेत्रों में काली पूजा का त्यौहार शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के आदेशानुसार CTSP के नेतृत्व में पूरे शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का उद्देश्य असामाजिक तत्वों से सावधान एवं शांति प्रिय आवाम में कानून के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास कराना था। फ्लैग मार्च में पुलिस पदाधिकारी व सशस्त्र से लैस पुलिस बल के जवान शामिल थे। पुलिस का काफिला लंबी कतार में पुलिस लाइन परिसर से फ्लैग मार्च करते हुए निकला और मनाली चौक, आदमपुर चौक,
खलीफाबाग चौक कोतवाली चौक होते हुए स्टेशन पहुंचकर पुनः पुलिस लाइन पहुंची। मार्च का नेतृत्व कर रहे वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के निर्देश के अनुसार सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात के साथ एसपी शुभम आर, सार्जेंट मेजर के शर्मा के अलावे कई वरीय पदाधिकारी व कई सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। वहीं सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने काली पूजा शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए हर वर्ग से सहयोग की अपील की है। काली पूजा के पूर्व संध्या पर हम लोग फ्लैग मार्च का आयोजन पूरे शहर में कर रहे हैं। साथ में हमारी एसएसबी की कंपनी है, जिला का दंगा बल है, सीआईटी का फोर्स है और शहर के सभी थानेदार भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाहर से कुछ एसडीपीओ भी आए हैं, उनको भी शामिल किया गया है और साथ में हमारे एएसपी सिटी है, डीएसपी ट्रैफिक है और सारा जिला पुलिस बल है। तो क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही रहेगी कि सभी लोग शांतिपूर्ण सद्भावना का संदेश देना चाहेंगे, किसी भी तरह का रिमरबाजी पर विश्वास नहीं करना है और पुलिस और प्रशासन को सहयोग दें और शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखें। पूरे प्रदेश के साथ साथ भागलपुर में दिवाली का त्यौहार खत्म होते ही छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई। बिहार में इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाता है। देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले बिहार के लोग छठ के पर्व पर अपने घर जरूर लौटते हैं। फिलहाल रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ की स्थिति देखते ही बन रही है, लोग काफी कठिनाइयों का सामना कर अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि हम लोगों ने 2 महीने पहले ट्रेन का टिकट बुक कराया, फिर भी हम लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसको देखते हुए भारतीय रेल की ओर से अलग अलग राज्यों से बिहार रूट पर आने जाने वाली छठ स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी किया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों से बिहार की तरफ आने वाली छठ पूजा स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। वहीं छठ पूजा के दौरान देश के विभिन्न शहरों से बिहार आने फिर वापस जाने के लिए तकरीबन 124 पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। भीड़ तो अभी बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं, सही से आए परिवार के साथ। परसों से तैयारी में लग जाएंगे? हाँ, पहले से हम तैयारी में 10-15 दिन से ज़्यादा इसे पहले से तैयारी में है। खुशी होती है? हाँ, बहुत खुशी होती है। इंतजार रहता है बहुत? हाँ, पहले से 1 साल से हमें इंतजार रहती है। भागलपुर व आसपास के क्षेत्रों में मां काली की पूजा भक्तिपूर्ण माहौल में की जा रही है। काली पूजा व पंडालों में पूजा अर्चना व प्रतिमा दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी भारी भीड़ उमड़ रही है। सूर्य ग्रहण को लेकर दिन में पट बंद थे। सूर्य ग्रहण समाप्त होते ही मंदिरों की सफाई हुई, उसके बाद आरती भजन का कार्यक्रम हुआ। पर्वती की माँ बुढ़िया काली, बम काली, हरबड़िया काली, जंगली काली के अलावे सभी काली मंदिर व पंडाल माँ काली के जयकारों से गूंजता रहा। पुरोहितों ने बताया कि माँ काली की पूजा मुख्य रूप से निशा पूजा के रूप में की जाती है। इस दौरान माँ की पूजा में पूरा नेम निष्ठा का ध्यान रखा जाता है। ग्रामीण इलाकों में भी मां काली की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। मध्य रात्रि से पुरोहितों ने पूजा प्रारंभ कराया और अगले सुबह संपन्न हुई। हर मंदिरों एवं पूजा पंडालों में प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने शहर के बूढ़ानाथ घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त, सदर अनुमंडल पदाधिकारी सहित कई पदाधिकारी निरीक्षण के दौरान मौजूद थे। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान छठ पूजा समिति के लोगों से व्यवस्था को लेकर कई सवाल पूछे। वहीं नगर आयुक्त को साफ सफाई को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। गंगा में जलस्तर बढ़ने के कारण घाटों पर बैरिकेडिंग और सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। देर रात भागलपुर के नगछिया के कदुआ ओपी थाना क्षेत्र के कंचनपुर कदुआ में गाइड बांध के समीप कीरो मंडल और शंकर मंडल के बासा में आग लगने से दर्जनों मवेशी की जलकर मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि कीरो मंडल और शंकर मंडल के सभी परिवार खाने के लिए घर आ गए थे। इसी बीच जल रहे दीपक की चिंगारी से किसी कारणवश बासा में आग लग गई। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 3 लोगों के बासा, कीरो मंडल, शंकर मंडल और घेरू समेत अन्य 5 के बासा जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है घटनास्थल के गाइड बांध खरी के नदी थाना के दायरे में आता है, जहां कदवा किसान रह रहे थे। देर शाम भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के मारुति सुजुकी के सर्विस सेंटर के ऊपरी छत पर पटाखे की चिंगारी से आग लग गई। आग की लपटें 8 से 10 फीट ऊंची उठने लगी, जिसको देखकर सर्विस सेंटर से सटे घर के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आसपास के लोगों के द्वारा पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाने लगा। आधे घंटे के मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पा लिया। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही आसपास के लोगों ने आग को बुझा दिया। आसपास के लोगों का कहना है कि अगर आग फैल जाता तो आसपास के कई मकानों में आग फैल सकती थी, जिसको लेकर अभी तक लोग सहमे हुए हैं। वहीं सर्विस सेंटर के ऑनर का कहना है, ऊपरी छत पर रखे कार के बम्पर अधिकतर जल गए हैं, लेकिन राहत की बात है कि आग ज्यादा नहीं फैली और उस पर काबू पा लिया गया।
वो एक्चुअली मेरे छत पे हमारी मारुति सुजुकी की सारी गाड़ियों का बम्पर था रखा हुआ, नई गाड़ी का जितना इतना मॉडल है सबके बम्पर रखे हुए थे, तो कुछ पटाखा लगता कहीं से चिंगारी आया, उसमें आग लग गया। तो अगल बगल वाले लोगों से सूचना मिला कि हमारे छत पे आग लग गई, तो मैंने फायर ब्रिगेड को 112 पे फ़ोन किया, तो उन लोग बड़ी मतलब 15-20 मिनट के अंदर लोग पहुँच गए हैं और आग सुरक्षित है। अब क्षति का तो नुकसान जितना है कल स्टॉक के बाद कितना मेरा है, मतलब जो मेरा ऊपर में ये अभी ऐसे बता भी नहीं सकते हैं, चूँकि इतना स्टॉक है उसको सिस्टम में बता भी नहीं सकते हैं, लेकिन 75% मेरा स्पेयर्स में जो बम्पर का स्पेयर्स है वो था, बाकी गाड़ी जो नीचे का मेरा गाड़ी है बाकी सब चीज़ सुरक्षित है। नहीं नहीं लाखों में